हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द नंबर। सेट द नंबर इज ऑड आर इवन। हमें ऑड या फिर इवन नंबर का एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ऑड नंबर क्या होते हैं या फिर इवन नंबर क्या होते हैं। जैसे सपोज कोई भी नंबर है, मान लीजिए 10। तो सबसे पहले ऑड नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर है अगर उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो उसका रिमाइंडर है अगर 1 आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। और इवन नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 0, उसका रिमाइंडर क्या आता है 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो कहने का मतलब कोई भी नंबर अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नंबर क्या होता है, ऑड नंबर। इसके लिए हमें एक जावा में प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक क्लास डिजाइन करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है क्लास, यहां पे ऑड इवन टाइप का हमने एक क्लास ले लिया। हमने सबसे पहले एक क्लास लिया जिसका नेम हम ऑड या इवन कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मेन फंक्शन डिजाइन करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। इसके लिए हमें एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर, स्कैनर का एस कैपिटल लिखिएगा। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर यहां पे लिखते हैं सिस्टम, सिस्टम का एस कैपिटल लिखिएगा, सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से हमने यहां पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब स्कैनर क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसके लिए आपको एक पैकेज भी इंपोर्ट करना होगा। तो आपको यहां पे क्लास के आउटसाइड आपको यहां लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिंग। इस तरीके से आपको एक पैकेज यहां पे इंपोर्ट करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक यूजर से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले आपको यहां पे एक मैसेज देना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पे लिखना होगा एंटर द नंबर। आपने एक मैसेज यहां पे शो कर दिया। अब इसके बाद आपको एक इनपुट लेना है। तो हमने यहां पे एक इंट, हमने यहां पे नम टाइप का एक वेरिएबल लिया, यहां पे हमने एक num टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमको वैल्यू स्टोर करना है। हम यूजर से इनपुट लेने के लिए लिखेंगे sc.next_int। इस तरीके से हमने एक यूजर से इनपुट स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है क्या ये नंबर ऑड है या इवन, जो भी नंबर आपने यहां पे स्टोर किया। इसके लिए आपको करना होगा एक इफ कंडीशन लगानी होगी और यहां पे लिखना होगा अगर नंबर डिविजिबल हो जाता है 2 से और रिमाइंडर कितना आता है 0, कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर आता है 0 तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो आपको यहां पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आपको यहां मैसेज देना है इवन नंबर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो यहां पे आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहां पे लिखना है ऑड नंबर। इस तरीके से आपको एक इवन और ऑड का प्रोग्राम चेक करना है, समझ में आया। अब हमको इसके क्रॉस चेक करना है। सपोज ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, चेक करना है क्या ये हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले यहां पे आपसे जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, यहां आप लिखेंगे एंटर द नंबर। सपोज आपने यहां पे 11 प्रोवाइड किया, आपने एक नंबर स्टोर किया 11 जो कि यहां नम की वैल्यू हो जाएगी 11। अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहां पे 11 मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0, अगर 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 डबल इक्वल 0 कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई यहां पे ये कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। हमें रिजल्ट क्या फाइंड आउट होगा, हमें यहां पे रिजल्ट आएगा ऑड नंबर। क्या स्क्रीन पे शो जाएगा,
ऑड नंबर। तो कहने का मतलब 11 आपको क्या है, ऑड नंबर है, तो आपको यहां पे करेक्ट आंसर दे रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें अंदर एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। सपोज आपने यहां पे सबसे पहले स्क्रीन पे एंटर द नंबर, आपने यहां पे स्टोर कर दिया 10, आपने एक नंबर लिया 10। अब आपको चेक करना है यहां नंबर की वैल्यू 10 हो गई, फिर से आप इफ कंडीशन पे आएंगे तो 10 मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0, 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, 0 डबल इक्वल 0, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू। जैसे कंडीशन सपोज ये ट्रू हुई तो ये क्या एग्जीक्यूट हुआ, यहां पे आपको स्क्रीन पे मैसेज आ गया इवन नंबर, ये आपका जो 10 है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर। इस तरीके से आप एक इवन और ऑड का प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, थैंक यू।